أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफियत घरों पर मौजूद होंगे ठीक है जी बेटा इससे पहले हमने लेक्चर नंबर वन मैंने आपको दिया तारीफ की जरूरत तो नहीं है पहले बताएं क्योंकि आप तो जानते ही हैं मुझे सर ताहिर फ्रॉम एलेक्सा स्कूल और बॉयज़ ब्रांच ठीक है अच्छा अब ये लेक्चर नंबर वन भी आपका मतलब हो गया है लेक्चर नंबर थर्ड सेकंड भी हो गया है लेक्चर नंबर थर्ड के साथ आपके साथ आपके पास में ठीक है लेक्चर नंबर थर्ड देने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्चर नंबर थर्ड क्लास सेवन ठीक है तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी एक तो हमने ऐसे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है ये करना है और उसके बाद कुछ हम पेजेस करेंगे पेज नंबर 41 और 45 ठीक है 41 से लेकर 45 तक इनके आपने बुक्स पर निशाना लगाने हैं तो अपना मटेरियल जल्दी से अपने पास रखें पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और ग्रामर बुक आपके पास मौजूद हो ठीक है तो अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अब मैं लेक्चर अपना स्टार्ट करने लगा हूँ तो सबसे पहले हमने क्या करना था सफ़र नंबर जो है 197 पर आपको ग्रामर जी सफा नंबर 197 197 ठीक है ग्रामर का जी 197 पर आपको बेटा एक टॉपिक नजर आ रहा होगा मतलब के तंदुरुस्ती हजार नेमत है वहां पर दिया हुआ नहीं है ठीक है वहां पर एम्प्टी है आपने क्या करना है उसके अंदर इस ऐसे को पुट करना है लिखना है पेंसिल के साथ अच्छे से ठीक है फिर जैसे ही आपको टाइम मिलेगा आपने जो है मुझे जो है आकर इसको स्कूल में चेक करवा लेना है ठीक है मैं चेक कर दूंगा आप साथ ही नोटबुक्स ले जा भी सकते हैं बुक है या नोटबुक है आप साथ ले जा सकते हैं ठीक है आई एम गोइंग टू स्टार्ट मज़मून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है अच्छे से देखें इसे बोर्ड पर लफ्ज तंदुरुस्ती के मायने हैं जिस्म का तंदुरुस्त हालत में होना अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं ठीक है इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है तंदुरुस्त आदमी वो होता है जिसके जिस्म का पूरा निज़ाम तंदुरुस्त हो वो तादादम दिखाई देता है और हर काम को चुस्ती से सर अंजाम देता है उसके चेहरे पर अजीब सी ताजगी होती है तंदुरुस्त आदमी की शख्सियत बड़ी पुरकशिश होती है ठीक है नेक्स्ट है एक तालिबे इल्म की मिसाल लीजिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ होती है या है पर खत्म हो गया तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ नहीं बनाए हैं वन में इसको कंप्लीट कर दिया है तो आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होगा यहाँ पर है कि बात वन पैराग्राफ कंप्लीट हुआ आपका अब सेकंड पैराग्राफ देखें एक तालिबे इल्म की मिसाल लीजिए अगर वो तंदुरुस्त है तो पूरी लगन और तवज्जो से हसूल इल्म की कोशिश करता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है इसके बरअक्स एक ऐसा तालिबे इल्म जो बीमार हो तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता खत्मा वो मेहनत से जी चुराता है और इलम जैसी अजीम नेमत से हासिल करने से महरूम रह जाता है बस यहाँ पर भी आपका ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया ठीक है अब आपने इसके बाद क्या करना होगा थर्ड पैराग्राफ जैसे आपको पता है पैराग्राफ बनाना था कि जो लाइन खत्म होती है तो उसके नीचे वाली लाइन पर आप सेकंड पैराग्राफ लिखोगे फिर उस लाइन को छोड़ के उसके नीचे वाली में अपने थर्ड स्टार्ट करने लगा तो थर्ड पैराग्राफ उसके नीचे लिखोगे आप ठीक है अब वहाँ से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा बस सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी आदत को
अपनाएं और अपने रोजमर्रा के मामूलात को दुरुस्त रखें। मसलन वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, साफ यहां पर कोमा भी है, मामूल बनाएं कोमा, जहां जहां पर आपने कोमा में लगाया होगा वहां कोमा लगाएंगे, जहां पर डैश यानी खत्मा है वहां पर आप खत्मा लगाएंगे। आई रिपीट इट अगेन, अपना मामूल बनाएं कोमा, साफ सुथरी गिजा खाएं, फिर कोमा आएगा, नाखून काटें कोमा, गुसल करें कोमा, कम अज कम दो मरतबा दांत साफ करें, फिर कोमा, नशा आवर चीज से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। अब यहां पर खत्म आएगा डैश। अगर हम इन तमाम असूलों पर अमल पैरा होंगे तो बिलाशुबा हम तंदुरुस्तो तवाना रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा तंदुरुस्ती हजार नेमत है ऐसे कंप्लीट हो गया है। आप इसको यहाँ पर मतलब के वीडियो में देखकर भी आप इसको अच्छे से यानी के लिख लें, वैसे तो साफ से पढ़ा है आपने, लिख लिया होगा, अगर थोड़ा बहुत आपकी मिसिंग हो गई है तो अच्छे से इसको आप देख कर लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसे अच्छे से लिख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर, सफर नंबर 197 है हमारा। यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आया है मज़मून तंदुरुस्ती आज़ाद नेमत है। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ नहीं है, आपने इसको खुद लिखना होगा, यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, लफ्ज तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती इन्वर्टेड कॉमात के अंदर दिया हुआ है। लफ्ज तंदुरुस्ती के मायने हैं जिस्म का तंदुरुस्त हालत में होना, खत्मा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं, फिर खत्मा आ गया। इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है, खत्मा। इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये भी आपने इन्वर्टेड कॉमात में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तंदुरुस्त आदमी वो होता है जिसके जिस्म का पूरा निज़ाम दुरुस्त हो के बाद फिर आपने जो है वो खत्मा यानी डैश डैश खत्मा से कहते हैं ये लगाना है। वो ताज़ा दम दिखाई देता है और हर काम को चुस्ती से सर अंजाम देता है। इसके बाद फिर खत्मा लगाएंगे आप, उसके चेहरे पर अजीब सी ताजगी होती है डैश, तंदुरुस्त आदमी की शख्सियत बड़ी पुरकशिश होती है डैश। यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, एक तालिब इल्म की मिसाल लीजिए, अगर वो तंदुरुस्त है तो पूरी लगन और तवज्जो से हसूले इल्म की कोशिश करता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है डैश। उसके इसके बरक्स एक ऐसा तालिब इल्म जो बीमार हो तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता डैश, वो मेहनत से जी चुराता है और इलम जैसी अजीम नेमत हासिल करने से महरूम रह जाता है डैश। बस सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए अच्छी आदत को अपनाएं, आदत की जमा आदत, और अपने रोजमर्रा के मामूलात को दुरुस्त रखें। मसलन वक्त पर सोएं और वक्त पर जागें, कोमा वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, फिर कोमा, साफ सुथरी गिजा खाएं, कोमा नाखून काटें, कोमा गुसल करें, कोमा कम अज कम दो मरतबा दांत साफ करें, कोमा नशा आवर चीज से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, खत्मा। अगर हम इन तमाम असूलों पर अमल पैरा होंगे तो बिलाशुबा हम तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब आपने ग्रामर का वो
ग्रामर बुक का पेज नंबर 41 ओपन करना है। यहां पर आपको ग्रामर बुक का सफा नंबर 41 और का 45 यानी 45 से 45 तक यहां पर आपको टॉपिक क्या नजर आएगा, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, सॉरी ठीक है, जो मुअन्नस कोई से सो सही हो गया, मुज़क्कर मुअन्नस कोई से सो, इनके मैं आपको निशान लगाता हूं। तो सफा नंबर एक देखिए बेटा, सफा नंबर सॉरी 41 बाग इंसान रिश्तों में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज जो है मुकर्रर है। मसलन अब आपने सिर्फ इनको टिक लगा देना है, यहाँ पर बॉक्स आपको नजर आ रहा है मुज़क्कर और मुअन्नस जो आपने सेलेक्टिव है यहाँ पर उन पे आपने टिक लगा देना है। पेज नंबर 41 है और इसके मुज़क्कर वाले साइड पर देखिए आप, यहाँ पर अब्बा पहला लफ्ज अब्बा है, उसके बाद भाई, जिन पर जो मैं बोलूंगा टिक लगाएं उसी पर आपने टिक लगाना है, ठीक है, भाई टिक करें, नवाब, सुसर, शोहर, इन सब पे टिक करते जाएं जो मैं बोलता जा रहा हूँ, साहिब, उस्ताद, पादर, बछड़ा, कुत्ता, मेंढा, ठीक है। अब इसी की नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, यहाँ पर दामाद से स्टार्ट हो रहा है, दामाद, इसके बाद गुलाम, खान, फरजंद, बहनोई, रंडवा, ख्वाजा, सांप, भैंसा और चिड़ा, ठीक है, ये आपका बॉक्स कंप्लीट हुआ। अब पेज वही 41 चल रहा है, इसके नेक्स्ट जो है वो पोर्शन में देखें, बाद इंसान रिश्तों में मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो अलिफ से छोटी ये से बदल कर मुअन्नस बना लेते हैं। मसलन अब इन पे आप एक लगाएं, पहली लाइन में है दादा से, दादा के नीचे वाला लफ्ज है बंदा, बंदा से स्टार्ट करेंगे आप, बंदा टिक करें, फुफा टिक करें, अब नेक्स्ट साइड पर आ जाएं, यहाँ पर चचा, ताया, नाना, साहिबजादा, शहजादा, यहाँ इस लाइन वाले पूरे हैं, ठीक है, यहाँ पर चचा से लेकर शहजादा तक कंप्लीट हुए। अब आप पेज नंबर 42 ओपन करें, यहाँ पर पहली लाइन में है पोता, टिक करते जाएं, भतीजा, नवासा, गंजा, सोतेला, हिरन, कबूतर, घोड़ा, ये लाइन कंप्लीट हुई। इसी के साथ वाले इसी बॉक्स में नेक्स्ट लाइन पे देखें, यहाँ पर साला है, साला साली, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना आपने, इसके नीचे वाला लफ्ज़ भांजा, इस पर टिक करें, फिर हमसाया, लंगड़ा, पगला, मकड़ा, मस्करा, तीतर, बकरा, गधा, ठीक है, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बॉक्स में देखें, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटी ये हो तो मुअन्नस बनाने के लिए उसको नून से बदल देते हैं और बाज़ दफ़ा सिर्फ नून बढ़ा देने से मुअन्नस बन जाता है। मसलन अब ये बाहर देखिए आप, कुम्हार, कुम्हारन, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, इसमें अपने निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा, कुम्हार से लेकर ये लाइन पूरी, फिर अगली लाइन में देखें नाई आ रहा है, नाई से लेकर हाजी, ये लाइन पूरी, इसमें यार कोई कटिंग नहीं है। इसी तरह इसका बकिया हिस्सा आगे देखें, पेज नंबर 43 पर आ रहा है, इसमें बंगाली, पारसी, सका, फरंगी, यानी ये पार्ट पूरा हमने करना है, इट्स क्लियर। अब आप इसी पेज पर, पेज नंबर 43 पर देखें, इसमें भी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, इसमें लिखा हुआ उन्होंने बास मुज़क्कर इस्मों की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में नून छोटी ए या अलिफ नून छोटी ए लगा देते हैं। मसलन अब देखें वर्ड क्या बन जाते हैं, नंबर वन है उस्ताद, उस्तानी, मुगल, मुगलानी, ये पूरी लाइन, इसी तरह इसी का बख्या हिस्सा आगे देखें, डॉक्टर, डॉक्टरनी, सैयद, सैयदानी, ठीक है, ये पूरा ये भी पोर्शन आपने करना है, पूरा बॉक्स करना है, ठीक है।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बास इसम मुजक्कर के आखिर में हे बढ़ाकर मुअन्नस बना लेते हैं, मसलन एक दो पढ़ते तो मैं आपको देखें, मुअल्लम मुअल्लिमा, खादिम खादिमा, शायर शायरा, ये पूरी लाइन। इसके साथ नेक्स्ट लाइन चल रही है मुकर्रम मुकर्रमा, मरीज मरीसा, ठीक है, और सारे लफ्ज मैं छोड़कर आगे जा रहा हूँ, मुजाहिद मुजाहिदा, मुअल्लम से लेकर मुजाहिद तक, यानी ये पूरा पार्ट जो है ना आपने ये लाइन भी और आगे वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपके जो हैं वो अल्फाज 100 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे से याद करना है और इनकी आरपी भी करनी है। इस तरह इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको 41, 39 और 40 पेज हमने पढ़ा था, उसमें कुछ उसूल्स थे उनको भी अच्छे से याद करें आप, और ये मुज़क्कर मुअन्नस भी याद करें। अभी हमारे टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अब पेज नंबर आप 44 देखें, 44 ओपन कर लिया आपने, ठीक है, पेंसिल आपके पास मौजूद हो। अब यहाँ पर ये सारी आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को आपने जो है वो पेंसिल के साथ इसके ऊपर फिल करना है। अगर आपने चेक करवाना हो तो स्कूल में आप आ जाइएगा और सब जो मैंने ऐसे लिखा था वो भी उस आदमी जो कर मोनिस भी आपको चेक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 44। यहाँ पर टॉपिक है मुदज़र मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर अलग कीजिए। आप देखें भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई का बहन हो जाएगा, यानी उन्होंने मुज़क्कर दे दिए हैं, हमने मुअन्नस खुद लिखने होंगे। सुसर सास, मियाँ बीवी, अब ये दो चार मैंने पढ़ दी हैं, बाकी आपने इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो मुअन्नस दिए हुए हैं, वो तो मुज़क्कर थे ना, उनके हमने मुअन्नस लिखे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट साइड पर उन्होंने जुलाहा जुलाही लिखा हुआ है, जुलाही का मुज़क्कर क्या हो जाएगा, जुलाहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमसाई है, तो हमसाई का हमसाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बाकी भी खुद से कंप्लीट करने हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, आपने इसको खुद लिखना होगा। और तेजी से मैं आपको जो है लिखवा भी देता हूँ, भाई बहन, सुसर सास, मियाँ बीवी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, खालू खाला, इसी तरह जुलाही में जुलाही है जुलाहा, हमसाई हमसाया, पंडितानी पंडित, और जोजा चची चचा, जोजा खामद या शोहर, तालिबा तालिब, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखें, पेज वही हमारा 44 चल रहा है अभी ग्रामर बुक का, दर्ज़ अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तस्कीर व तानीस वाज़े हो जाए। अब देखें पहले तो आप इसको तस्कीर व तानीस के लिहाज से लिख लें ताकि जो सही हो जाए। नंबर वन है हमला, हमला के साथ लिखते हैं मुज़क्कर, जुमला बाद में बना लेंगे, ठीक है। लस्सी मुअन्नस, हमले का मुज़क्कर लिखें, लस्सी मुअन्नस, और कफन मुज़क्कर, इसके आगे पेंसिल से मुज़क्कर लिखें, खालिस मुअन्नस लिखें इसके आगे, और तारीख मुअन्नस लिखें इसके आगे, वर्क ये मुज़क्कर लफ्ज़ होता है, फिज़ा मुअन्नस, और इसी तरह मयार मुज़क्कर, ठीक है। अब ये तस्कीर तानीस से ही आपने बताना था ना कि आया ये जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, अब आपने इनके आगे पुट कर दिया है, ठीक है, जैसे हमला मुज़क्कर लस्सी मुअन्नस आपने पुट कर दिया है, अब इनको आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखें हमला पहला है, इसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है, क्या जुमला बनेगा इसका, पाक फौज ने भारत पर हमला किया, इन सबको भी आपने फुल पेंसिल के साथ खूब से बनाकर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें लस्सी मुअन्नस, लस्सी सेहत के लिए अच्छी होती है, हमला मुज़क्कर था लस्सी मुअन्नस। अब कफन मुज़क्कर, हर जानबाज सिपाही मुल्क की हिफाजत के लिए सर पर कफन बांधे खड़ा है, ठीक है, ये इसका जुमला हो गया, हर जानबाज सिपाही मुल्क की हिफाजत के लिए सर पर कफन बांधे खड़ा है। नेक्स्ट खालिस मुअन्नस, आजकल खालिस चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, आजकल खालिस चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। नेक्स्ट है तारीख मुअन्नस, जंगे यरमूक में जख्मियों ने पानी को एक दूसरे पर तरजीह देकर तारीख रकम की, जंगे यरमूक में जख्मियों ने पानी को एक दूसरे पर तरजीह देकर तारीख रकम की, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है वर्क,
मुज़क्कर किताब के वर्क मत फाड़ो, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिजा मोनस, गांव की फिजा आंखों को ठंडक पहुंचाती है। नेक्स्ट है मयार, मुज़क्कर है, दुकानदारों को घटिया मयार की चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। आई रिपीट, दुकानदारों को घटिया मयार की चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। जी बेटा, अब आपका पेज नंबर 44 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप पेज नंबर 45 ओपन करें, यहाँ पर आपसे आपका टॉपिक आपको नज़र आएगा, खत कुशीदा अल्फाज को मुज़क्कर या मुअन्नस में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखिए। अब नंबर 1 देखें, कातिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इसको आपने मुअन्नस में ले जाना है, कैसे चेंज करेंगे इसे, कातिला को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब नेक्स्ट है मेरी वालिदा हस्पताल अयादत के लिए गई। अब आपने इसको मुज़क्कर में ले जाना है, जो मुज़क्कर होगा उसका मुअन्नस बनाएंगे, जो मुअन्नस होगा उसका मुज़क्कर बनाएंगे, ठीक है। मेरे वालिद हस्पताल अयादत के लिए गए। नेक्स्ट है ज़ईफ शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आप देखें इसे कंप्लीट करें, ज़ईफ़ा औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। नंबर 4 है मुलाजमा अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी। चेंज करें इसे, मुलाजिम अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था। आ रही ना चीज समझ, ठीक। अब मेरी भतीजी कल अमेरिका से पाकिस्तान आ रही है। अब ठीक कैसे करेंगे, मेरा भतीजा कल अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा है। नंबर 6 है हाजी नेक कामों में मशगूल रहती, हजन नेक कामों में मशगूल रहती है। अब सही कैसे करेंगे, हाजी नेक कामों में मशगूल रहता है। अब नंबर 7 देखें, मेरा दामाद लोहे की फैक्ट्री में काम करता है। तो कैसे ठीक करेंगे, मेरी बहू लोहे की फैक्ट्री में काम करती है। बहू और सास की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जी दामाद और ससुर की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती, यूँ हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9 है आजकल धोबी कपड़ों की धुलाई दुगनी बताता है। आजकल धोबन कपड़ों की धुलाई दुगनी बताती है। नंबर नेक्स्ट है नाई हजामत बना रहा है, नाई हजामत बना रही है, यूँ होगा। और नाई हजामत बना रहा है तब भी सही हो जाएगा, नाई हजामत बना रही है। जी बेटा, यहाँ पर आपका पेज नंबर 45 और हमारा टॉपिक 41 से 45 तक ही था, ये कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर 3rd लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको आपने अच्छे से इसको लिखना भी है जो मैंने करवाया है, फिर जो है आपने इसको याद भी करना होगा, ठीक है। RP भी इसकी कर सकते हैं, होमवर्क आप तक पढ़ना नहीं, होमवर्क आपने इसी के ऊपर लिखना था, ग्रामर बुक जो है बुक के ऊपर ही, तो फिर बाद में इसको अच्छे से बेटा याद कर लेना आपने। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।